पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। आप लोगों ने अपने बुक में पढ़ा है कि प्लांट के पार्ट्स होते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, जो जमीन के अंदर होता है वो रूट सिस्टम, जो बाहर होता है वो शूट सिस्टम। इसे हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे अपने आसपास मिलने वाले पौधों के माध्यम से। आपके लिए मैंने ये एक पौधा लाया है। ये परफेक्ट पौधा मुझे इसीलिए लगा क्योंकि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर एंड फ्रूट, ये एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको सारे पार्ट्स जो है दिखाई देते हैं। एक और पौधा है, ये इसमें भी आप देख सकते हैं रूट सिस्टम एंड दिस इज शूट सिस्टम। दीज आर लीव्स, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट्स इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि ये एक बड़ा ट्री है। एक और ट्री पौधा हम आपके लिए लाए हैं, ये देखिए, दिस इज रूट। ये अंडरग्राउंड रहता है, जमीन के अंदर रहता है और इसकी स्टेम्स नहीं है, यह एक ग्रास है, इसकी स्टेम्स नहीं है। ये सब जो है बहुत ही पतली ब्रांचेस, तो इस तरह से पौधा अपने आप को स्प्रेड करता है। इसकी बहुत ही पतली पतली ये छोटी ब्रांचेस हैं और ये अपने आप को जमीन पर ऐसे स्प्रेड करता है। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं, लीव्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसमें बहुत ही छोटे छोटे फूल खिलते हैं और बीज भी होता है। दिस इज ऑल्सो ए प्लांट एंड इट्स पार्ट। एक और पौधा मैंने आपके लिए लाया है, यह एक टेरिडोफाइट है, यानी कि इसमें फूल नहीं खिलते हैं। यह एक और पौधा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे ये जो ब्रांचेस निकली हैं, ये बिल्कुल रूट से निकली है, इसमें कोई स्टेम अलग से नहीं है, एक सिंगल स्टेम नहीं है। और इसकी जो ये लीफ है, ये डायरेक्टली इससे अटैच है, इसमें फूल नहीं खिलते हैं। इसके जो बीज बनते हैं ये अंडर सरफेस, इसके अंडर सरफेस पे बनते हैं और ये ब्लैक कलर का ऐसे हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप अपने आसपास इन सारे पौधों की को खोजने की कोशिश करेंगे और इसके सारे प्लांट पार्ट्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यही साइंस है, क्योंकि आपने ये पौधे को ऐसे रोड के किनारे देखा और आप इसे हाथ में लेकर के इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करके जब आप इसको डिटेल में देखते हैं, दैट इज साइंस। अब हम एक एक पार्ट के काम के बारे में बात करते हैं। रूट, जैसे आप देख रहे हैं ये रूट क्या करता है, ये जमीन से जोड़े रहता है। तो द रूट सिस्टम एंकर्स प्लांट इन द सॉइल, ये प्लांट को सॉइल के अंदर एंकर करके रखता है। सेकंड इज एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसे जब हम बाहर निकाल देते हैं तो ये मर जाता है, लेकिन अगर इसको हम पानी में रखते हैं तो ये कब कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। जैसे इस पौधे को मैंने 3 दिन पहले निकाला था, इसे पानी में रखा है और आज तक आप देख सकते हैं कि ये एकदम फ्रेश है। क्यों? क्योंकि इसको पानी और मिनरल्स यहाँ से मिल रहे हैं। तो रूट के काम हो गए, रूट सिस्टम एंकर्स प्लांट्स इन द सॉइल, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ये जो जड़े हैं, जो रूट्स हैं, ये जब जमीन में ऐसे धंसे रहते हैं तो इस आसपास की जो मिट्टी है इसको ये बांध के रखते हैं, जिससे कि पानी इसे बहा नहीं दिया जाता है। इसीलिए धरती बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है ताकि इरोजन कम हो, विंड से भी और पानी से भी, हवा से भी मिट्टी नहीं उड़ पाएगी और पानी से भी नहीं उड़ पाएगी। दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें होती है स्टेम,
पार्ट्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, लीफ है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इसको ये अच्छी तरह से स्प्रेड करता है ताकि सभी पत्तों को सूरज की रोशनी आराम से मिल सके और ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सके। लीव्स, लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उन्हीं लीव्स में होता है। तीसरा है फ्लावर्स। फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स पार्ट होते हैं ये अट्रैक्टिव होते हैं और ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन होता है और फिर बनते हैं फ्रूट्स। इस तरह से आप एक पौधे को देख सकते हैं और इसके जो सारे पार्ट्स हैं